ऐसा माना जाता है कि इंसानों के जीवन पर ग्रहों की दशा का बहुत असर पड़ता है। हर ग्रह अपने घर में हो तब तक सब कुछ सही, लेकिन जैसे ही ग्रहों ने अपनी दिशा बदली, लोगों की हालत हो जाती है पस्त। इन्हीं ग्रहों में सबसे ज्यादा जिस ग्रह से लोग डरते हैं वो है शनि ग्रह। अब शनि की साढ़े साती के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शनि की वक्र नजर से जहां पहले राजा और प्रजा डरती थी, वही अब अमीर इंसानों से लेकर हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी बच के रहना चाहते हैं। लेकिन अब आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इन दिनों शनि ग्रह खुद पर ही भारी पड़ गए हैं, जो खुद कई सारी परेशानियों से घिरे हैं, जिसे देख वैज्ञानिक भी परेशान हैं। तो क्या हो रहा है शनि के खुद के घर में, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में, तो देखिए हमारा ये वीडियो पूरा। दोस्तों, पृथ्वी से लगभग 880 मिलियन मील दूर मौजूद हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में एक ऐसा ग्रह है जिसने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। सैटर्न यानी शनि के रहस्यमय क्षेत्र को एक्सप्लोर करने से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ये गैस जाइंट है जो कई रहस्यों को छुपाता है, जिसमें इसके उत्तरी ध्रुव को सजाने वाले हेक्सागोनल पैटर्न से लेकर अंतरिक्ष में जन्मे बारिश जैसी अनोखी घटनाएं शामिल हैं। हाल ही में हुए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में सैटर्न के रिंग्स के अंदर एक अजीब सी घटना सामने आई, जिसे देख शनि ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों में काफी चिंता देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी में रहने वाले लोग भविष्य में शनि के इस रिंग्स को शायद ही कभी देख पाए। तो ऐसा क्या चल रहा है शनि ग्रह के अंदर और इसके आसपास, जो एस्ट्रोनॉमर्स ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर हो रही हैं? और कौन सी ऐसी एंटिटीज यानी इकाइयां हैं जो शनि के रिंग्स की विशालता को पार कर रही है, जानिए ये सब हमारे साथ आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, 1979 में पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट द्वारा शनि के सबसे करीब से ली गई शुरुआती इमेजेस ने इस विशाल ग्रह के रहस्यों को जानने की हमारी कोशिश की शुरुआत की थी। हालांकि 2004 में कैसिनी मिशन के आने तक वैज्ञानिकों ने शनि की इस रिंग से भरी दुनिया के असली चेहरे को नहीं देखा था। इसकी स्टडी कर इसे समझने की हमारी चल रही कोशिशों के बावजूद ये ग्रह वक्त वक्त पर नए नए खुलासे करता गया। शनि ग्रह जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका कोर ग्रह की त्रिज्या का करीब आधा है और जिसका वजन पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 12 से 20 गुना है, ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ज्यादातर दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग यानी चपटा है। तेज स्पीड की वजह से ये इक्वेटर पर उभरा हुआ है और पोल्स पर चपटा दिखता है। पृथ्वी से शनि की खास पीली और गोल्डन धारियां जो दिखती है, वो इसके ऊपरी वायुमंडल में ज्यादा हवा होने की वजह से है। और जब शनि की सावधानी से जांच की गई, तब एक एक्सेप्शनल अनदेखा नजारा सामने आया। वो था लगभग 20,000 मील व्यास में फैला हुआ एक षटकोणीय यानी हेक्सागोनल पैटर्न, जो सांस रोक देने वाले षटभुज यानी हेक्सागोन जैसा दिखता है, जिसे पहली बार देखने पर ये सावधानी पूर्वक तैयार की गई मेगा स्ट्रक्चर जैसा लग सकता है। और इसका रहस्य तब और बढ़ जाता है जब हेक्सागोनल पैटर्न ब्लू से गोल्डन रंग में बदल जाता है। कैसिनी से हाई रिजोल्यूशन इमेजेस का इस्तेमाल करके एक आकर्षक एनिमेशन को जटिल रूप से इकट्ठा किया गया, जिसने पहली बार इस घटना को हकीकत की तरह पेश किया, जिससे पता चला कि शनि के उत्तरी ध्रुव पर हेक्सागोन यानी षटभुज के घूमते भंवर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है। केंद्र में मौजूद ये तूफान नॉर्मल नहीं, बल्कि पृथ्वी के तूफानों के मुकाबले आश्चर्यजनक रूप से 50% ज्यादा ताकतवर है। तूफान के चारों ओर लाल रंग के भंवर बिखरे हुए हैं,
जो हेक्सागोनल जेट स्ट्रीम के काउंटर क्लॉकवाइज मोशन के साथ घूम रहे हैं। हेक्सागोन के अंदर पार्टिकल कंपोजिशन में आसपास के एरिया के मुकाबले एक खास फर्क साफ तरीके से दिखता है। भारी मात्रा में छोटे धुंध पार्टिकल्स हेक्सागोन के अंदर साथ साथ होते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल्स ना के बराबर होते हैं। वही हेक्सागोन के बाहर बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिलता है। इस छह तरफा तूफान के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लचीलापन। वही जहां पृथ्वी के तूफान आमतौर पर सिर्फ एक हफ्ते तक ही रहते हैं, ये हेक्सागोन सदियों तक नहीं बल्कि दशकों तक बना रहता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कौन से मैकेनिज्म की वजह से ऐसे विशाल तूफान बनते हैं। एक कंप्यूटर सिमुलेशन ने डीप थर्मल कन्वेक्शन नाम के एक आकर्षक घटना का खुलासा किया। जब गर्मी को तरल पदार्थ या गैस की गति के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, तो ये एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय प्रवाह को जनरेट कर सकता है, जिसे लार्ज पोलार साइक्लोन्स यानी बड़े ध्रुवीय चक्रवातों और हाई लेटिट्यूड पर एक ईस्ट वार्ड जेट पैटर्न बन सकता है। जब ये एटमॉस्फेरिक फीचर्स ग्रह के ऊपरी क्षेत्रों में जमा होती है, तो वे शनि के नॉर्थ पोल पर एक खास हेक्सागोनल शेप को जन्म देती है। हेक्सागोन के लंबे वक्त तक बने रहने के पीछे इन तूफानों का ही हाथ है, जो शनि ग्रह के अंदर बादलों के टॉप से हजारों मील नीचे बनते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद ऐसे किसी तूफान से अनजान है। शनि के हेक्सागोन्स उन चमत्कारों के सबूत के रूप में काम करते हैं जिसको हमारा ब्रह्मांड बना सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह नहीं है जो ऐसी खासियत हमें बताता है। ऐसे और भी कई दिग्गजों के पास रिंग्स है जो हमारे सौर मंडल में मौजूद है, लेकिन शनि के ये रिंग्स सबसे बड़े और खास है। उनकी खोज के क्रम में नामित 7 रिंग्स शनि के इक्वेटर के साथ मौजूद है, जो ग्रह के कोर से करीब 4,300 मील की दूरी पर शुरू होते हैं और एक उल्लेखनीय दूरी तक बाहर की ओर फैले हुए हैं। शनि के रिंग्स पार्टिकल्स का आकार बड़ा है, जो धूल के समान छोटे बर्फीले पार्टिकल्स से लेकर घरों के आकार के बड़े टुकड़ों तक देखे गए हैं। यहाँ तक कि कुछ असाधारण यानी एक्सेप्शनल पार्टिकल्स भी हैं, जो पहाड़ों के आकार जितने हैं। हालांकि शनि के रिंग्स के बारे में अभी हम ज्यादा जान पाए हैं। लगभग 4 शताब्दियों पहले जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन को शनि की ओर पॉइंट किया था, तो उन्होंने गैस के इस ग्रह को कान या हैंडल के रूप में डिस्क्राइब किया था, जो असल में लंबे उभार थे, जिन्हें अब हम समझ पाए हैं। अपने मामूली टेलीस्कोप से गैलीलियो रिंग्स के मुश्किल डिटेल्स को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से उन्होंने गलती से उन्हें ग्रह के दोनों ओर स्थित सेलेस्टियल बॉडीज समझ लिया। हाल की स्टडीज से ऐसा माना जा रहा है कि शनि के रिंग्स की उम्र करीब 100 से 400 मिलियन साल तक है, लेकिन इसका अस्तित्व जल्द ही खत्म हो सकता है। शनि के रिंग्स बेहद तेज स्पीड से खत्म हो रहे हैं। 4 दशकों के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने शनि पर होने वाली रिंग्स की बारिश के झरने का खुलासा किया, जो शनि ग्रह के वायुमंडल पर अपना असर डाल सकते हैं। क्या आपको पता है, लगभग 6,000 पाउंड्स बर्फीले पार्टिकल्स हर सेकंड शनि पर उतरते हैं, जो ग्रह के वायुमंडलीय गर्माहट को बढ़ाने का काम करते हैं। शनि की रिंग्स बारिश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ एक केमिकल कॉकटेल है, जिसमें पानी, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन शामिल है। ये रासायनिक मिश्रण जब सूर्य के रेडिएशन या अंतरिक्ष चट्टान के असर की वजह से होने वाले प्लाज्मा बादलों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वे इलेक्ट्रिकली चार्ज और डिस्टर्ब डस्ट पार्टिकल्स को बना सकते हैं। ये पार्टिकल्स शनि के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ जाते हैं और उन्हें ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की ओर अंदर की तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही शनि सूर्य की परिक्रमा करता है और झुकता है, और बदलते एंगल्स बर्फीले रिंग्स की बारिश की तीव्रता पर असर डालते हैं। शनि की रिंग्स बारिश कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अलग तरह के केमिकल्स से बनी है,
हालांकि शनि पर जीवन के लिए ऐसा होना ही काफी नहीं है, लेकिन इसके चंद्रमा दिलचस्प संभावनाएं पेश करते हैं। शनि को हाल ही में 62 नए सैटेलाइट्स मिले हैं, जिसके बाद शनि के पास कुल 145 चंद्रमा हो गए, जिसमें से टाइटन और एनसेलेडस में जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद है। जहां टाइटन के घने वातावरण में भारी मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वहीं एनसेलेडस में तरल पानी का सरफेस महासागर है। टाइटन, जिसका घना वातावरण पृथ्वी जैसा दिखता है, इसकी सतह पर नदियां, झीलें और समुन्दर है। हालांकि ये पानी के बजाय मीथेन और इथेन से भरा हुआ है। ऐसे हालात के बावजूद वैज्ञानिकों ने एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी का प्रपोजल रखा, जिसमें एक्रिलोनिट्राइल नामक अणु शामिल है, जो कोशिका झिल्ली जैसी स्थिर और लचीली संरचना बना सकते हैं। ये अणु एक्सोसम्स नामक माइक्रोस्कोपिक कंटेनर्स के बनने की वजह से बन सकता है। अल्मा ऑब्जर्वेटरी ने टाइटन के वायुमंडल में भारी मात्रा में एक्रिलोनिट्राइल मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का पता लगाया, जो जीवन की संभावना को हवा देता है। नासा का ड्रैगन फ्लाई ड्रोन, जो 2027 में लॉन्च होने वाला है, टाइटन की ज्यादा बारीकी से ये जांच करेगा, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या इस सेलेस्टियल बॉडी पर जीवन पनप सकता है। जैसा कि हम इन खोजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि हमारे सौर मंडल के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के अस्तित्व को बनाए रखने वाली और भी जगह हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।